इम्बोय ने हमें ज्वाइन कर लिया, मुफ्ता खाने आ गए ना इम्बोय हमारे। नहीं जी मूड खराब हो गया मेरा, सूट का इसको इधर ही वेस्ट करना पड़ेगा। मुझे तो सारी चीजें बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ जल्दी। अभी जो मैं स्काई रेस्टोरेंट पे आया हूँ, इस वक्त हम 17 फ्लोर पे हैं और ये 17 फ्लोर से नीचे जो है ये बड़े फिट सा एक व्यू आ रहा है पूरे लाहौर का। लोकेशन जो है वो मैं थोड़ी सी आपको गाइड कर देता हूँ। लोकेशन जो है ये लिबर्टी में इंडिगो होटल की रूफ टॉप है और यहाँ से जो है पूरे लाहौर का बड़ा फिट सा एक व्यू आ रहा है। ये देखें वो उस साइड पे लिबर्टी है और ये जो है ये राउंड अबाउट है, ये शहीद चौक जो है वो उसका राउंड अबाउट है और यहाँ पे जो है वो मैं हूँ। हमारी पार्टी हो रही है तो बेसिकली जो होगा एक छोटा सा एक फूड चैलेंज होगा। चैलेंज क्या होगा कि बूफे है तो हम देखते हैं कि हम जो बूफे के पैसे पे किए हैं वो कम्प्लीट भी हो सकते हैं कि नहीं। और बेसिकली तो खैर ये एक फेयरवेल पार्टी है जो नईम बॉय है, जो आपने अक्सर काफ़ी ब्लॉग में मेरे साथ देखा भी है, नईम बॉय की एक फेयरवेल पार्टी है जिसके लिए यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको मेन डिशेस दिखाऊंगा अभी, क्योंकि है मैं काफ़ी पहले आ गया हूँ तो अभी सेटअप वगैरह सेट हो रहा है। तो जैसे ही सेटअप सेट होता है उसके बाद फिर आपको मेन डिशेज दिखाई जाएंगी और उसके बाद फिर स्टार्ट किया जाएगा, उसका एक छोटा सा रिव्यू भी होगा। अच्छा जो अंदर का व्यू है वो कुछ इस तरह से है, ये साथ ही बड़े फिट सा रूफ टॉप का व्यू है और ये हमने जो है बिल्कुल उसके साथ ही चेयर्स लगवाई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा और ये चेयर्स लगी हैं। कुछ लोग यहाँ पे बैठेंगे और कुछ लोग जो है यहाँ पे बाहर बैठेंगे। वो सामने जो है अभी खाना वगैरह लग रहा है तो यहाँ के जो ये ना ये हालात है। A few moments later. जो है ये सैलेड वगैरह लगे हुए हैं और ये खुर्रम भाई हैं जो सबसे पहले आ जाते हैं हमेशा। और अभी हम जो है सूप के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, अपने आप को वार्म अप करेंगे और वार्म अप करने के साथ ही ना फिर बाकी डिशेज़ पे जो है अब वह बोला जाएगा। सबसे पहले सूप, गले को थोड़ा टकोर मिलेगी, गला भी थोड़ा सेट होगा, उसके बाद फिर बाकी डिशेज देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे सूप। अच्छा ये जो है ये हमारे अहमद भाई है, इनके भी आज फेयरवेल है और ये जा रहे हैं और यहाँ पे ये फ्री का सूप इंजॉय कर रहे हैं, फ्री का खाना आज इंजॉय कर रहे हैं। आज के लिए इनके लिए फ्री का खाना है और इनका तो आपको पता ही है, ये खुर्रम भाई हैं और यहाँ पे जो है ये सूप ऐड किया जा रहा है। नईम बॉय ने हमें ज्वाइन कर लिया, मुफ्ता खाने आ गए नईम बॉय हमारे साथ। आज नईम बॉय को ही अशी कराएंगे हम और नईम बॉय जो है खुल के खाना खाएगा, मुफ्त में खाएगा हमारी तरफ से आखिरी दफा, नॉट लास्ट टाइम। काफी वेट करने के बाद इतना सा मिला और यहाँ पे जो था मेरा ड्रिंक आ चुकी थी लेकिन नहीं लेनी, गला खराब है। मुझे तो सारी चीजें बहुत पसंद। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और हम जो है 20 मिनट बाद ये स्वीट ले आया लेकिन इसके पीछे एक राज है कि वो क्यों ले आया, क्योंकि कुछ और था ही नहीं, रिफिल हुआ ही नहीं और हमने कहा कि टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि टाइम बहुत जरूरी है। मेरा अभी तक यही चल रहा है।
थर्ड प्लेट अजीब सी प्लेट है, मिक्स है सब कुछ, सूप भी है, डाइट भी है। नहीं जी मूड ख़राब हो गया, सूप लगता है ख़राब हो गया, बहुत अजीब सा टेस्ट हो गया मैंने मेरा सूप का, इसको इधर ही वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत ही फाइनली ये मेरी लास्ट डिश होगी। आप करें केक कट, आपको किसने रोका? करो करो। ये है जी फाइनल प्लेट, फाइनल प्लेट में जो है स्वीट डिश। A few moments later। अच्छा जी खाना शाना खा लिया है और अब जो है वापसी का सीन है, तो अब जो टाइम आ गया है वो स्काई के रिव्यू देने की बात है। अच्छा अगर लोकेशन की बात की जाए, सिटिंग की बात की जाए और क्या कहते हैं इन्वायरमेंट की बात की जाए, तो सिटिंग और लोकेशन इन्वायरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। एक बड़ी अच्छी सी लोकेशन है और काफ़ी अच्छा सा उन्होंने सेटअप वगैरह किया हुआ है, और फिर वो क्योंकि 17 फ्लोर पे है तो ऊपर से जो है ना व्यू भी काफ़ी मज़े का आता है, और काफ़ी मज़े का अच्छा सा व्यू है। लेकिन ये कि एक रेस्टोरेंट में और एक खाने पीने में जस्ट व्यू नहीं होता, बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा अब जहाँ पे आइटम मेन्यू की बात आती है, मेन्यू जो था पर हेड जो था, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनका पर हेड क्या था। पर हेड जो था वो 3000 था, और 3000 जो था मेरा नहीं ख्याल कि वो जस्टिफाई कर पा रहा था, क्योंकि एक तो मेन्यू की ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थी, जो मेन्यू था वो बड़ा लिमिटेड सा था, और जो चले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सूप से। सूप जो था, सूप भी कोई जब हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो सूप जो मैंने फर्स्ट टाइम लिया जाते साथ ही तब थोड़ी सी कुछ बेहतर हालत में था, लेकिन जैसे ही बस थोड़ी देर बाद जब हमने उसको दोबारा लिया तो बड़ा ठीक सा हो गया था, बड़ा अजीब सा टेस्ट हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे ख़राब हो गया। मेरी जो आदत है ना कि मैं जो है ना खाने को वेस्ट नहीं करता, मतलब अगर मुझे खाना अच्छा नहीं भी लग रहा ना तो मैं उसने मैंने अगर जितना खाना ले लिया होगा मेरी कोशिश होती है कि ना मैं उसको ख़त्म ही करूँ। चल झूठा। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने सूप लिया सेकंड डे वाला, कि मुझे सूप बड़ा पसंद है और मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा सूप पीऊँ ताकि ना मेरी थोड़ा सा गला बेहतर हो जाए। लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम पे सूप लिया तो वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं था, और नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने मजबूरन उसको वेस्ट कर दिया, और जो मेरे बाद में उसका अफसोस भी है। लेकिन एक वो इतना अजीब सा टेस्ट हो चुका हुआ था कि एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा गला ख़राब था, तो मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उसको फिर मजबूरन जो है ना वो वेस्ट किया। जो मेन्यू था ना वो बड़ा लिमिटेड सा मेन्यू था, और टेस्ट वाइज जो था ना खाना कोई इतना अच्छा नहीं था, और आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी, सिर्फ एक दो चीज़ें थी जो ज़्यादा मज़े की थी, जो थी जैसे मटन का सालन था, कीमा था, वो ज़्यादा बेहतर था, कुछ अच्छी हालत में था और अच्छा बना हुआ था। लेकिन जो था वो रीफिल जो थी वो बहुत लेट आ रहा था, मतलब जैसे एक अगर आप डाल रहे हो सालन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो रीफिल थी ना वो रीफिल नहीं आ रही थी, वो रीफिल काफ़ी एक दो दफ़ा मैंने भी और काफ़ी लोगों ने कहा भी कि भाई रीफिल कर दो, तो वो कहते हैं भाई हम तो फ्रेश बना के ला रहे हैं, तो हमने कहा यार फ्रेश बना के ला रहे हो तो इसका मतलब है कि जब हम चले जाएंगे तब आप लेके आओगे। खैर इन अ शॉर्ट सेंस के वो इनकी सर्विस जो थी ना, सर्विस बहुत फजूल सी थी सर्विस, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। जैसे एक व्यू है और एक अच्छी लोकेशन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि खाना भी अच्छा खाना है, बिल्कुल एक एवरेज सा खाना है। और इस रेंज में अगर आप 3000 के रेंज में जाएँ तो आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। मैं मोनाल को और बिला जो जिसको मैं सबसे पहले इससे पहले जो था ज़्यादा अच्छा रेट नहीं कर रहा था, खैर कंपेरिजन बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो प्राइस रेंज के हिसाब से मोनाल एक व्यू भी अच्छा है और उसका मेन्यू भी काफ़ी वाइड है, काफ़ी ऑप्शंस वगैरह आपको मिल जाती हैं, तो वो उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन थी। तो ओवरऑल जो था एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन है लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, कभी पॉजिटिव एक्सपीरियंस और आपको ऐसे ही चीज़ों का पता चलता है कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको इस रिव्यू को अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे इस तरह के मज़ीद फूड रिव्यूज़ बनाने चाहिए या नहीं, और ये कि आपको ये कैसा लगा, तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।